नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 15-16 जून को मनेगा बिहार रामोत्सव 2024, जाने कार्यक्रम की खास बातें। सोलर प्लांट लगाकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। शिक्षा विभाग में खुला भर्ती का पिटारा। फायर ब्रिगेड से 101 के साथ ही जुड़ा डायल 112। गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से ऐसे करें खुद का बचाव। बिहार से ये 8 सांसद बने केंद्रीय मंत्री। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 से भी अधिक अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती आई है। ये भर्ती 3000 से भी अधिक पदों पर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट natas.education.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 जून है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल वर्ष 1996 से 31 मार्च 2024 के बीच में हुआ हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। 15-16 जून को मनेगा बिहार रामोत्सव 2024, जाने कार्यक्रम की खास बातें। 15 और 16 जून के राजभवन में बिहार रामोत्सव 2024 मनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि ये स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का उत्सव है। इसकी जानकारी हॉर्टिकल्चर विभाग ने अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की है, जहां आगंतुकों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस रामोत्सव में भाग लें। इस रामोत्सव में आकर्षण का मुख्य केंद्र आम के विभिन्न अनुशंसित प्रभेदों का प्रदर्शन, आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन, निर्यात से संबंधित विषयों पर परिचर्चा और आम व आम से बनी खाद्य सामग्रियों की बिक्री होने वाली है। 15 जून को ये प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक देखने को मिलेगी। वहीं 16 जून को ये प्रदर्शनी सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक देखने को मिलेगी। बिहारी पैटर्न में आज हम बात करेंगे बिलासी बांध के बारे में। बिलासी बांध बांका जिले के फुल्ली डूमर गांव में स्थित है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। ये बांध चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पर बरसात में आकर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। यहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। यहां पर शाम के समय सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहां पर आप नहाने का भी मजा ले सकते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। ये बांका का पिकनिक स्पॉट है। यहां आप जंगल पहाड़ों के बीच में प्रकृति की मनोरम वादियों में बने जलाशय का मजा भी ले सकते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित ये डैम पर्यटन के लिहाज से लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। रविवार 10 जून को T20 विश्व कप 2024 के 19वें मैच में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से था, जो न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। रविवार को बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19 ओवर में सिर्फ 119 रन ही बनाने में सफल हो सकी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 113 रन ही बना सकी। पहले पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी, जहां 14वें ओवर में एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 80 रन था। इसके बाद मैच पलटा, रिजवान सादाब आउट हुए और 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए, जहां उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और इफ्तिखार का विकेट लिया। 20वें ओवर में जीत के लिए पाकिस्तान को 18 रनों की जरूरत थी। हालांकि अर्शदीप ने सिर्फ 11 रन खर्च कर इमाद वसीम का विकेट लिया और इस तरह निश्चित लग रही हार को भी टीम इंडिया ने जीत में तब्दील कर दिया। सोलर प्लांट लगाकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार में 843 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 1235 कृषि फीडरों के बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सोलराइजेशन हेतु निविदा जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत किसान या फर्म लगभग 5 किलोमीटर दायरे के अंदर कृषि फीडर में मौजूद लोड के अनुसार 843 विद्युत उपकेंद्रों के फीडर के ऊर्जान्वयन हेतु और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत कृषि पंप को भी सौर ऊर्जा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अपनी जमीन को किसान सोलर प्लांट लगाने के लिए लीज अथवा रेंट पर दे सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा किसान अपने जमीन पर ऊंची संरचना बना सकते हैं, जिससे कि वो ऊपर सोलर प्लांट लगाकर नीचे खेती कर सकते हैं। गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से करें ऐसे खुद का बचाव। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इस गर्मी में लोगों को लू और डिहाइड्रेशन से सावधान रहने की जरूरत है।
आईपीआरडी बिहार ने डिहाइड्रेशन के लक्षण और इसके उपचार की जानकारी साझा की है। डिहाइड्रेशन के दौरान प्यास नहीं लगती, मुंह सूखने लगता है, भूख खत्म हो जाती है, उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं और शरीर में ताकत नहीं मिल पाती है। इसके उपचार के लिए उल्टी और दस्त होने पर ORS का घोल पिए, हमेशा साबुन और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, खाने में तरबूज खीरे जैसे मौसमी फलों का उपयोग करें, घर से निकलते समय पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। जानिए भारतीय रेलवे में इन 5 अंकों का मतलब। आपने कई बार ट्रेनों में बड़े बड़े अक्षरों में इन 5 अंकों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन भारतीय ट्रेन में इन 5 अंकों का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि नंबर ट्रेन की पहचान के लिए होते हैं, लेकिन शुरुआती 2 नंबर साल को दर्शाते हैं कि ट्रेन के ये डिब्बे किस साल में बने हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि किसी ट्रेन के डिब्बे पर 1, 3, 5, 8, 9 लिखा है तो इसके शुरुआती 2 नंबर 1 और 3 है। इसका मतलब है कि ये ट्रेन का डिब्बा साल 2013 में बना है। वहीं आगे के 3 नंबर श्रेणी की जानकारी दे तो ये डिब्बे आखिरी जनरल क्लास के हैं, AC क्लास के हैं या स्लीपर क्लास के हैं। आपको बता दें कि आखिरी 3 नंबर में 001 से 025 AC फर्स्ट क्लास, 101 से 150 AC थर्ड क्लास, 151 से 200 चेयर कार, 201 से 400 स्लीपर क्लास, 401 से 601 जनरल डब्बा, 601 से 700 सेकेंड क्लास के डिब्बे होते हैं। हेलीकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया में तेजी। राज्य सरकार महीनों से VIP उड़ानों के लिए एक ट्वीन हेलीकॉप्टर लेने की प्रक्रिया में जुटी है, तो वहीं अब चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने की वजह से टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है। बता दें कि राज्य सरकार 9 से 10 सीटर हेलीकॉप्टर की खरीद करने की तैयारी में है, जिसे 5 साल तक की लीज पर लिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर खरीद की योजना को राज्य सरकार द्वारा कुछ ही समय पहले स्वीकृति दी गई थी। वहीं सरकार की अनुमति के बाद विज्ञापन भी जारी हुआ और अब संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसकी तकनीकी बीट को 31 मई को खोली जा चुकी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर खरीद की योजना का वित्तीय टेंडर 11 जून को खुलेगा और योग्य कंपनी को टेंडर देने की प्रक्रिया 18 जून तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग में खुला भर्ती का पिटारा। चुनाव आचार संहिता के समाप्त होते ही तत्काल रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है। नालंदा में काशी समेत बिहार के अन्य जिलों में 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली होनी है, तो वहीं जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार द्वारा सभी DM को पत्र भेजा गया है और जून में ही शिक्षा सेवकों की बहाली की प्रक्रिया को पूरा कराने का अनुरोध किया है। बता दें कि नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों में 54 तालीमी मरकज केंद्रों में 27 शिक्षा सेवकों की बहाली होनी है। वहीं शिक्षा सेवकों समेत सूबे के उत्थान केंद्रों में 1465 और तालीमी मरकज केंद्रों में 1113 शिक्षा सेवकों की बहाली होगी। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनकर तैयार। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर 108 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है, जिसके उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन किए जाने के बाद यहां नदी के प्रवाह में हुए बदलाव पर स्टडी होगी। नदी के प्रवाह का अध्ययन कर उसकी प्रकृति में बदलाव लाया जा सकता है। प्रवाह की दिशा में बदलाव लाकर तटबंध पर होने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। गाद और बालू कोसी नदी की सबसे बड़ी समस्या है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के नियमित कार्य शुरू होने के बाद जहाँ एक ओर उत्तर और पूर्वी भारत की विभिन्न नदियों के पानी की स्टडी की जाएगी, वहीं कोसी के निकलने वाले बालू की समस्या पर भी शोध किया जाएगा। रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पर। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के हालिया आंकड़ों के अनुसार अभी भी देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 110.9 अरब डॉलर बताई गई है, जबकि 77.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी मौजूद है। वहीं नेटवर्थ 36 अरब डॉलर के साथ JSW ग्रुप की सावित्री जिंदल और फैमिली को तीसरा नंबर मिला है। इस लिस्ट में इस साल सावित्री जिंदल ने कई अमीरों को पीछे छोड़ा है। बताते चलें कि सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। फायर ब्रिगेड से 101 के साथ ही जुड़ा डायल 112। पहले आग लगने पर 101 कॉल पर आता था, लेकिन अब डायल 112 भी आएगा। दरअसल डायल 112 कंट्रोल रूम को भी जोड़ा गया है, जिससे पटना अग्निशमन कंट्रोल रूम को राहत मिल सकेगी। मिली जानकारी के मुताबिक डायल 112 में भी अग्निशमन की टीम को 2 शिफ्ट में ड्यूटी मिली है, जिससे पहले की अपेक्षा काम और बेहतर व आसान हो चुका है। मालूम हो कि पटना जिले में 12 से अधिक फायर स्टेशन है। अभी सभी फायर स्टेशन डायल 100 101 के साथ ही डायल 112 से भी जुड़ चुके हैं, जिससे आपातकाल स्थिति में मौके पर ही बचाव कर्मी को भेजा जा सके।
अतिक्रमण हटाने के लिए पटना की सड़कों पर चलेगा बुलडोजर। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पटना प्रशासन एक्शन में आ गया है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा 21 जून तक शहर में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और वरीय पुलिस अधीक्षक राजदीप मिश्रा द्वारा स्पेशल ड्राइव के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ये टीम सड़कों से अतिक्रमण हटाने के अलावा अवैध व्यवसायिक गतिविधि करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और सुगम यातायात का प्रबंधन करेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान यातायात पुलिस विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाएगी और पब्लिक न्यूसेंस करने वालों पर पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। गया में इस दिन सेना में भर्ती के लिए शुरू होगी दक्षता परीक्षा। 25 जून से गया में सेना में भर्ती के लिए अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होने वाली है। इस अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन बोध गया में बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस कैंप के ग्राउंड में किया जाएगा। इस दक्षता परीक्षा में 11 जिलों के करीब 4,500 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान इनके दौड़ और मेडिकल की परीक्षा ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके बाद भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दक्षता परीक्षा के दौरान गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों का खास ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को ORS के पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा पर्याप्त मेडिकल टीम, पैरासीटामोल दवाई के साथ ही पैक, जार, मटका के ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था होगी। बिहार में बिजली की नई दरों पर पावर सप्लाई कंपनी ने जताई आपत्ति। 1 अप्रैल से बिहार में लागू की गई नई बिजली दर पर कंपनी द्वारा आपत्ति जताई गई है। कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में कंपनी द्वारा कहा गया है कि आयोग की ओर से कंपनी के नुकसान आकलन में गड़बड़ी हुई है। आयोग ने नुकसान का अधिक आकलन कर लिया है जिस वजह से कंपनी की आय में वृद्धि हो गई है। दरअसल अप्रैल में कंपनियों द्वारा बिजली दर में 3.03% वृद्धि का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया गया था जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। तो साथ ही आयोग द्वारा बिजली लगभग 2% सस्ती भी कर दी गई थी जिसकी वजह से सभी श्रेणियों की बिजली पर 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई थी। तो वहीं अब कंपनी का कहना है कि वास्तविक खर्च का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया है और इस आकलन में कंपनी को जितना पैसा खर्च करने के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। तो वहीं आयोग अब इस कंपनी के दलील के आधार पर याचिका पर विचार कर रहा है। लखीसराय में इन जगहों पर लग रहा रोजगार मेला, बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। दरअसल लखीसराय में श्रम संसाधन विभाग के जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार मेला आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले का आयोजन जिले के अलग अलग प्रखंडों में किया जाएगा जिसमें 12 और 13 जून को बढ़हिया प्रखंड, 14 और 15 जून को कौशल विकास केंद्र पिपरिया, 18 और 19 जून को प्रखंड कौशल केंद्र हलसी, 21 और 22 जून को प्रखंड विकास केंद्र चानन, 24 और 25 जून को प्रखंड कार्यालय परिसर रामगढ़ चौक, 26 और 27 जून को प्रखंड कौशल विकास केंद्र सूर्यगढ़ा में आयोजन होगा। इस रोजगार मेले में कुल 550 पदों पर भर्ती ली जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, साथ उम्मीदवार ने 12वीं पास किया हो। इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आप NCS के आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, साथ ही रोजगार मेले में अपनी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपलब्ध हो। रामोजी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रामोजी का राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। भारतीय मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म उद्योग की बड़ी हस्ती और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरू कुरी रामोजी राव का रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में उनके द्वारा बनवाए गए स्मृति वन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान परिवार के सदस्य, आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इनाडू ईटीवी को आम आदमी की आवाज बनाने वाले, गिनीज बुक ऑफ तेलुगु में नाम दर्ज कराने वाले दिग्गज रामोजी राव रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। बता दें कि रामोजी राव का पार्थिव शरीर शनिवार को पूरे दिन जनता के दर्शन के लिए रामोजी फिल्म सिटी स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में रखा गया था। उसके बाद रविवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया, जहां घर पर परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद तेलंगाना सरकार की ओर से पुलिस ने सलामी दी। इसके बाद रामोजी राव के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे वैंकुंट रथ पर स्मृति वन से ले जाया गया। परिवार के सदस्यों ने रामोजी राव के पार्थिव शरीर पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा शुरू हुई।
दक्षिण बिहार में गर्मी से नहीं मिल रही राहत। उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बारिश तो दक्षिण बिहार में अधिकतर जगहों पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इस गर्मी से आने वाले दो दिनों में कोई राहत की संभावना नहीं बताई गई है। प्रदेश में कई जगहों पर लोग हीट वेव से परेशान है। प्रदेश में आज किशनगंज, अररिया और भागलपुर में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज बांका और दक्षिण पश्चिम व दक्षिण मध्य बिहार के एक या दो स्थानों पर लू के साथ तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने कांस्टेबल को कुछ ला। हरकत में पुलिस। बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के मुसेपुर खैरा गांव में रविवार को अवैध रूप से बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर ने एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक आरक्षी का नाम दीपक कुमार सिंह था। वहीं रविवार की सुबह लगभग 4 बजे ये घटना हुई, जब दीपक कुमार इलाके में अवैध बालू खनन की जाँच के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान जब पुलिस कांस्टेबल ने ट्रैक्टर के चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वो भागने लगा। पीछा करने पर ट्रैक्टर चालक सिपाही को कुचलते हुए ट्रैक्टर मौके पर ही छोड़कर भाग गया, जिससे आरक्षी की मौत हो गई। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं उसके मालिक धर्मेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही चालक की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना में शामिल सभी लोगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए ली शपथ। बिहार से ये 8 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल। रविवार की देर शाम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, वहीं बिहार से ललन सिंह, जीतन मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह सहित अन्य नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद के लिए शपथ ली है। इस दौरान 71 गणमान्य ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार से राज्य मंत्री के रूप में रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ ग्रहण दिलवाई। नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद बिहार में भी एनडीए सहयोगियों के बीच काफी खुशी का माहौल है। सीएम नीतीश ने सभी को बधाई भी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या आप संतुष्ट हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एनडीए सरकार पर पप्पू यादव ने की भविष्यवाणी। पूर्णिया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में अगर 3 महीने में आम आदमी का राम राज नहीं आया तो वे 4 महीने में रिजाइन दे देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त होगा और सीमांचल और कोसी को बदलना ही उनकी प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही एनडीए की नई सरकार को लेकर भविष्यवाणी करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मैंडेट नहीं दिया है, क्योंकि एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से उनके नाम पर 65-70 सीटें कमाई है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये नई सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश नायडू गांधी विचारधारा के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राजद का तंज। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बनते ही विपक्षों का तंज शुरू हो गया है। दरअसल राजद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुसलमान समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं देने पर तंज कसा है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए सरकार में मुस्लिम मुक्त मंत्रिमंडल का गठन भाजपा के सपने को पूरा कर रहा है, जो पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करती आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों ने भाजपा के मुस्लिम मुक्त राजनीति के सपने को आगे बढ़ने का काम किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आज के दिन वर्ष 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था। वर्ष 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा और सामुदायिक विकास से संबद्ध 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 2008 में लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला था। आज के दिन केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1890 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म हुआ था। इन टिप्स से बिजली के बिल को आप कर सकते हैं कम। गर्मी के दिनों में बिजली बिल अधिक आते हैं। बिजली बिल अधिक आने की वजह है घर में से कूलर और पंखे का अधिक इस्तेमाल होना। क्या आप भी बिजली बिल अधिक आने के कारण परेशान हो चुके हैं? अगर हाँ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ टिप्स को अपनाकर आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। बिजली का बिल कम करने के लिए एसी को आप 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाएं। साथ ही फिल्टर को समय समय पर साफ करते रहें, ताकि एसी कमरे को अधिक से अधिक ठंडा कर सके।
कई लोग घर में रोशनी के लिए दिन में भी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। दिन में बल्ब का इस्तेमाल करने की बजाय आप अपने खिड़कियों को खोल दें ताकि बाहर की नेचुरल रोशनी घर में आ सके। इसके अलावा बेवजह के टीवी या कंप्यूटर को खोलने से बचें, बार बार फ्रिज को भी खोलने से बचें। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए आप सोलर एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे, क्या भारत तेजी से विकास करने वाले देशों में 164वें स्थान पर है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर देखने को मिल रही है जिसके मुताबिक 193 देशों में से भारत सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों की 164वीं सूची में है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपना स्थान रखता है, इसलिए इस तरह की खबर पर ध्यान देने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पोस्ट किया जाए इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा शासक सेल्यूकस द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए फाहिन, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी कारू, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। 1943 में आजाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल एमजेड कियानी, ऑप्शन बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी है मोहन सिंह, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कर्नल जेके भोसले। इसका सही उत्तर है हबीबुर रहमान। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी है 13वां। इसका सही उत्तर है 12वां। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी आजाद शत्रु, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर आजाद शत्रु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है अनंत कुमार सिंह, सदवीर, विकास दास, कॉर्नर शर्मा, नुनू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, शिखा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के सांसदों को शामिल करने से क्या प्रदेश को फायदा होगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।